आइए मेरे मेहरबानों, एक और बात आपके सामने, और ये बात भी रहेगी मेरे इस प्यारे भारत देश के लिए। जी हाँ, इस भारत देश में कभी ऐसे ऐसे लोग हुए थे जिन्होंने इस भारतवर्ष को एक अच्छी पहचान दी, लेकिन आज इस देश में ऐसे ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं कि जिसे सुना जाए और देखा जाए तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। पता नहीं मेरे इस भारत को, मेरे इस वतन को किसकी नजर लगी है, पता नहीं किसकी बुरी दृष्टि इस पर पड़ी है कि आज ये बड़ी ही दुविधा में है। सुनेंगे इस बात के माध्यम से तरुण बालियान सादीपुर की आवाज में। हे परम पिता दे साच बता मेरे भारत को क्या नजर लगी, हे परम पिता दे साच बता मेरे भारत को क्या नजर लगी, मेरे भारत को क्या नजर लगी, मेरे भारत को क्या नजर लगी, दे परम पिता मन साच बता मे रे भारत को क्या नजर लगी, हे परम पिता दे साच बता मे रे भारत को क्या नजर लगी। महावीर ने सत का पाठ पढ़ाया था, श्री राम और कृष्ण बन के अवतार धार तू आया था, महावीर ने सत का पाठ पढ़ाया था, श्री राम और कृष्ण बन के अब तार धार तू आया था, जब सारा भ्रम मिटाया था पर मारथ को क्या नजर लगी, हे परम पिता दे साच बता मे रे भारत को क्या नजर लगी। शोहरत को क्या नजर लगी, हे परम पिता दे साच बता मे रे भारत को क्या नजर लगी।
अब लोगों का है ध्यान कहाँ, उस इज्जत को क्या नजर लगी, हे परम पिता दे साच बता मेरे भारत को क्या नजर लगी। अब प्यार प्रेम सही हो गया तो ढूंढ मुश्किल पाता है, सब शुद्ध आचरण मर्यादा बट क्या है मनुष्य कहाँ जाता है, अब प्यार प्रेम सही हो गया तो ढूंढे मुश्किल पाता है, सब शुद्ध आचरण मर्यादा भट क्या है मनुष्य कहाँ जाता है। भगवान चंद समझाता है पुरो स्वार्थ को क्या नजर लगी, हे परम पिता दे साच बता मेरे भारत को क्या नजर लगी, हे परम पिता दे साच बता मेरे भारत को क्या नजर लगी, हे परम पिता दे साच बता मेरे भारत को क्या नजर लगी, मेरे भारत को क्या नजर लगी, मेरे भारत को क्या नजर लगी। आइए प्रेम भक्तों, एक बड़ा ही प्यारा निर्गुण भजन आपके सामने, और इस भजन में बताया है कि ऐ मूर्ख इंसान, तूने इस मृत्यु लोक में आकर के सदा गलत काम ही करने की सोची। अरे जिस दिन तेरा एक चोला इस आत्मा से दूर होगा और आत्मा उस ऊपर भगवान के कोर्ट में खड़ी होगी, और जब तुझसे अच्छे कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा तो तू क्या जवाब देगा। तेरी तिजोरी पापों से भरी पड़ी है, पुण्य की तिजोरी तो तेरी खाली पड़ी है। भगवानों बड़ा ही प्यारा सुंदर निर्गुण भजन होगा, एक एक शब्द सुनने लायक सुनेंगे तरुण बालियान सादीपुर की आवाज में। बंदे क्यों ये तरावे रे तेरी खाली पड़ी तिजोरी, बंदे क्यों ये तरावे रे तेरी खाली पड़ी तिजोरी, खाली पड़ी तिजोरी तेरी रे खाली पड़ी तिजोरी रे बंदे, रे बंदे क्यों ये तरावे रे तेरी खाली पड़ी तिजोरी, बंदे क्यों ये तरावे रे तेरी खाली पड़ी तिजोरी। कर्म का परमेश्वर के देना पड़े हिसाब, पाप अधिक तेरे पुण्य नहीं है फिर क्या कहे जनाब, धर्म कर्म का परमेश्वर के देना पड़े हिसाब, पाप अधिक तेरे पुण्य नहीं है फिर क्या कहे जनाब, बंदे फिर पछतावेगा हाँ बंदे फिर पछतावेगा, रब पकड़ी जर कमजोरी रब बंदे, रब बंदे रब बंदे क्यों ये तरावे रे तेरी खाली पुण्य तिजोरी, बंदे क्यों ये तरावे रे तेरी खाली पुण्य तिजोरी।
किसी की मजबूरी रह बेपी। तेरी कड़वी बोली ने जन कितने दिल दिए चीर, तू हंसता है देख किसी की मजबूरी बेपी। बंदना शर्मा वैर तू, बंदना शर्मा वैर तू, करता सीमा जोरी रह बंदे तो बंदे बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। खावे तू निर्बल का वो रोवे मजबूर, धन दौलत और पद का तुझको छाया रे घना गुरूर। हिस्सा खावे तू निर्बल का वो रोवे मजबूर, धन दौलत और पद का तुझको छाया घना गुरूर। बंद धौस जमावे रे तू, बंद धौस जमावे रे तू, हरकत करे छिचोरी रो बंदे रो बंदे रो बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। सके तो लूट ले बंदे राम नाम की लूट, घूट लिए भगवान चंद तू प्रेम सुदारस घूट। लूट सके तो लूट ले बंदे राम नाम की लूट, घूट लिए भगवान चंद तू प्रेम सुदारस घूट। बंदे काम ये आवे रे तेरे, बंदे काम ये आवे रे तू, भर भर सटक कटोरी रे बंदे रे बंदे रे बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। खाली पुण्य तिजोरी रे तेरी, खाली पुण्य तिजोरी रे बंदे रे बंदे रे बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। बंदे क्यों ये तरावे रे, तेरी खाली पुण्य तिजोरी। आइए मेरे मेहरबानों, एक और बात आपके सामने, किस्सा अंजना पवन से। उस समय की बात कि जब अंजना जवान हो गई है और अंजना के माता पिता को अंजना की शादी की फिक्र है, मेरे मेहरबानों फोटो दिखाए जा रहे हैं, नए नए लड़कों के फोटो आ रहे हैं, तो मेरे मेहरबानों आज सखियों को लेकर के अंजना बागों में चली जाती है उन फोटो को लेकर के। आज सखी सहेली मसकरी कर रही हैं अंजना से, तभी पवन भूप का फोटो सामने आ जाता है, जिसे देख करके सारी सखी कहने लगती हैं कि ये काला नौजवान तेरे लायक नहीं है अंजना, तू इसे
अपना पति मत बनाना मेरे मेहरबानो। सारी बात पवन उस जनाने बाग की साइड में खड़े होकर के सुन रहे थे, वो भी एकदम गुस्से में आ जाते हैं। एक एक शब्द यहाँ के कवि ने बड़े अनमोल घड़े हैं, सुनेंगे इस रागनी में। बिना मिले तकदीर चले, तदबीर नहीं से जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से, बिना मिले तकदीर चले तदबीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से। अज्ञान बने क्यों धरती दिल में, तू तो धीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से। जितने फोटो जोड़ी की
सबीर नहीं से जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से और क्या होता है चमकी समसीर बाग में जन बिजली चमकी घन में लिया हाथ थाम मंत्री ने ले बचपन जैसी बात सोचते बचपन जैसी बात सोचते यो तो ठीक नहीं से जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से सिंह बाजी हारे ब्रजपाल सतवीर नहीं से जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से बिना मिले तदबीर नहीं से जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से। सज्जन साहिबानों की सेवा में अब एक रागनी और किस्सा रहेगा हीर व रांझा। जी हाँ, वही मशहूर किस्सा और उस समय की बात कि जब रात के 12 बजे हैं और रोज की तरह
हीरे को दूध मलाई लेकर के रांझे के पास धारे में जाना है। लेकिन जैसे ही घर से निकलती है, आज उसकी भावज उसे पकड़ लेती है कि आधी रात में नंदी कहाँ जा रही है। साथियों, आज भाभी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन भाभी जब नहीं मानती है तो किस तरह से थोड़ा गुस्से में समझाती है कि अगर रांझे के पास नहीं गई तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा और उसका नाराज होना मेरी जान जाने के बराबर है। तो किस तरह से समझाती है अपनी भाभी को उस अंधेरी रात में, सुनेंगे क्या लिखा। कहते हट जा भाभी, मन चौकस जाना से साची पाक मोहब्बत का मन प्रणन मन से पाक मोहब्बत का मन अपरणन मन से खातर ध्यान चाहिए से हर मानस ने अपनी इज्जत शान चाहिए से सही बात पे जम जाए सी जुबान चाहिए से साची पाक मोहब्बत का मन वरण निर्वाण से मेहनत कर दंड भरता
मोहब्बत का मन वर्णन भाणा से परवार नहीं उसके। बता के वो हांडे के शर्म व्यवहार नहीं उसके के वो ठंडी हांडे जा बता के रोजगार नहीं उसके। प्यारी का हाँ पारी रात दिन मेहनत करता करता काम होशियारी का क्यों मत मरवावे सवारी तीन जन्म की यारी का। लक्ष्मी चनक सोरा होगा लक्ष्मी चनक सोरा होगा मरे जगान से साची पाक मोहब्बत का मन प्रण निवान से हरी साची पाक मोहब्बत का मन प्रण निवान से मगाओ पूजा क्या है। अरे मेरे दो चार दोस्त आए वो बोतल कहाँ है। देख आज ये मास्टर हंसराज मास्टर खुर्शीद लेखराज जी सारे आए हैं यहाँ पे इनकी दावत पानी करने उस बोतल को दे दे। तेरी बोतल दे दू तेरी दावत पानी कर दू। हाँ आग दे दू मैं तुम सारों में और तुझे भी फूंक दूंगी धर के पीवाऊ अभी दारू। कम से कम इनके सामने तो मेरी इज्जत को रख ले। तुझे भी मारूंगी और इन्हें भी मारूंगी घर से बाहर निकाल दूंगी। ओहो चला जाए यहाँ से दारू पी के तूने घर का नाश कर दिया।
पास गए, मेरी बात को सुन। तेरी बात कहा सुनू, पता ना कैसा जन दिया, मैं तेरी माँ नहीं हूँ बस, मेरे तो जीवन ही झंड कर दिया। अच्छा और क्या, सुन मेरी बात, चला जा यहाँ से, आओ मेरे साथ, दारू पीवा कहीं का।
रांझी। अरे ओ मिया रांझी। अरे कौन है? अरे मैं हूँ बुल्ली। बुल्ली? हाँ बुल्ली। कैसे आई है? अरे तुझे ये बताने आई हूँ, जिस हीरे से तू प्रेम करता है, प्यार करता है ना, वो काने की गैल जा रही है तुझे छोड़ के। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं इस खरक को छोड़ करके जा रहा हूँ, तुझे तड़के दिखाई नहीं दूंगा मैं। अरे पागल, तूने जिसके लिए प्यार किया, इतने साल मोहब्बत की, तू सबको छोड़ के जा रहा है? सब कुछ छोड़ दिया जिसके लिए मैंने प्यार किया, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, जब वो ही मुझे छोड़ गई तो मैं क्या करूँगा? पागल, वो तेरे से प्रेम करती है, कल को आएगी वो तुझसे मिलने। आज तो वो काने के संग जा रही है, पता नहीं फिर किसी अंधे के संग फिर लेगी। तू तो पागल हो गया रांझे, सुन मेरी बात, मैं तुझे कुछ बताने के लिए आई। कह दे क्या कहना। सुन ले मेरी बात। समय दूसरा तो कर लिया के बेरा तीसरा भी कर लेगी। छोड़ कर किने जाइए ना, हीर तेरे बिन मर लेगी। छोड़ कर किने जाइए ना, हीर तेरे बिन मर लेगी। ओढ़ते मैं जीते जी मर गया। रांझी क्यों इस गुस्से में भर गया। उसकी ओढ़ते मैं जीते जी मर गया। लाचार थी, बदकार थी, लाचार थी, बदकार थी। इब गेल गई काने की रे, गेल गई काने की, आगे अंधे के संग फिर लेगी। छोड़ के जग जा लूं, न्यू के गीती में परसों तक या लूं, परसों तक मैं तो छोड़ के जग जा लूं। तेरी जानवा बेईमानवा, तेरी जानवा बेईमानवा, छोड़ फिकर मेरी ओढ़ का, और छोड़ फिकर मेरी ओढ़ का, वहां सहम उमंग में भर लेगी। दिल तेरे बिन बाजी वे ना एक पल, तोड़ गई मेरा प्रेम भरा हुआ दिल। भिंग ताना से भरा काना से, भिंग ताना से भरा काना से, मेरे कपड़े जी रम झीर से, मेरे कपड़े जी रम झीर।
खूब सिंगर लेगी। तेरे सबर नहीं, तन खबर नहीं, तेरे सबर नहीं, तन खबर नहीं। मैं तो डूबो दिया मझधार में, मैं तो डूबो दिया मझधार में, वहाँ पर ली पार उतर लेगी। छोड़ कर किने जीना, हीर तेरे बिन मर लेगी, छोड़ कर किने जीना, हीर तेरे बिन मर लेगी। अरे खसम दूसरा तो कर लिया, जिके खसम दूसरा तो कर लिया, के बेरा तीसरा भी कर लेगी। छोड़ कर किने जीना, हीर तेरे बिन मर लेगी, हीर तेरे बिन मर लेगी, हीर तेरे बिन मर लेगी, हीर तेरे बिन मर लेगी। और समय की बात की जब चीन देश की महारानी सुंदरादे जिसने 1700 जोगियों का कत्ल कर चुकी है। प्रेमी साथियों, गुरु गोरखनाथ से आदेश लेकर के पूर्णमल भिक्षा मांगता हुआ पहुंच जाता है द्वार पर, तो किस तरह से रूप को देख करके मोहित हो जाती है सुंदरादे। हाथ से कटार और थाल छूट जाते हैं और क्या कहने लगी साधु बने पूर्णमल से, और क्या पूर्णमल समझाने लगा। आइए दोनों के सवाल जवाब इस रागिणी को लेकर के आ रहे हैं मैडम पूजा शर्मा मुजफ्फरनगर वे ज्ञानेंद्र सरधाना प्रहलादपुर फरीदाबाद, और इसे पेश कर रहे हैं सारस देहाती कंपनी की तरफ से, जिसमें संगीत दे रहे हैं मास्टर हंसराज एंड पार्टी। मुझे पागल जैसी बात लगे हो, अच्छा मुझे पागल जैसी बात लगे, यो सुंदरा दे नादान तेरी। तो सुनिए मेरी बात, से धरती पे हो, क्या
सभी एक से धरती।